जयपुर में जब किसी के घर में डिनर करने गए थे तो उन्होंने बोला आज गुलाब जामुन की सब्जी बनाई है। मैंने सोचा पक्का आज कुछ प्रैंक होने वाला है, पर जब खाए ओ माय गॉड। वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सुतापा। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की सब्जी। सबसे पहले हम ग्रेवी का बेस बना लेते हैं। इसके लिए हमें 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालना है, फिर उसमें 1 इंच दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ डालना है और इन सबको एकदम लो हीट में हल्का सा पका लेना है। कलर नहीं चाहिए हमें। फिर हमें 2 मीडियम साइज के प्याज को मोटे मोटे काट के डाल देना है, 6-7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक और स्वाद अनुसार हरी मिर्च और इन सबको भी हल्का सा ही हमें सौते कर लेना है, ऐसा ना हो कि प्याज ब्राउन हो जाए। फिर इसके अंदर 6-7 काजू डालेंगे और 1 बड़ा साइज के टमेटो को चॉप करके डाल देना है और थ्रू आउट हमें हीट को मीडियम टू लो ही रखना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और चुटकी भर हल्दी और चिली पाउडर और इन सबको बहुत अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब इन सबको हमें लो हीट में कवर करके 5 मिनट तक पका लेना है या जब तक ना टमेटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 3-4 मिनट के बाद टमेटो सॉफ्ट हो गया है, अब इसको हमें ठंडा करके एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना लेना है। अब गुलाब जामुन को बनाते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम खोया लिया है और उसको बहुत अच्छी तरह से हम क्रम्पल कर लेंगे। फिर 200 ग्राम पनीर लिया है और उसको भी बहुत अच्छी तरह से हमें क्रम्पल कर लेना है। जितना खोया लिया है उसका डबल अमाउंट हमें पनीर चाहिए। ये गुलाब जामुन से हम सब्जी बनाएंगे, इसलिए हमने चुटकी भर नमक डाल दिया है इसके अंदर और 2 हरी इलायची के दाने को 1 टीस्पून चीनी के साथ हम अच्छे से पीस लिया है और वो भी ऐड कर दिया। इससे एक बहुत अच्छा खुशबू आता है और हल्का सा मीठा मिठास आता है जिससे बहुत अच्छा लगता है। फिर इन दोनों को हमें 10 मिनट तक ऐसे करके हमें रब करते जाना है सो दैट खोया और पनीर बहुत अच्छी तरह से मिल जाए और बिल्कुल भी लंप ना रहे। उसके बाद इस डो में हमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिलाना है बाइंडिंग के लिए, पर एक साथ नहीं, पहले 1 टेबलस्पून मिला लेंगे, फिर थोड़ा सा नीट कर लेंगे, फिर और 1 टेबलस्पून मिला के नीट कर लेना है। अब इस डो से छोटे छोटे पोर्शन लेके हमें गुलाब जामुन का शेप दे देना है और ये ध्यान में रखें कि बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक हो जाएगा ना तो गुलाब जामुन तेल में डालने से पूरा टूट जाएगा। अब गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए खूब सारा तेल डाल लेना है और तेल इतना गर्म होगा कि आप इसको टच कर सके। अब फिर थोड़ी थोड़ी दूरी में हमें गुलाब जामुन डाल देना है और डालने के बाद 2 मिनट तक इसको बिल्कुल इसकी तरफ देखना भी नहीं है। 2 मिनट तक गुलाब जामुन को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ऐसे ही कढ़ाई के अंदर छोड़ देना है। फिर 2 मिनट के बाद हल्का हल्का सा एकदम बाहरी बाहर से थोड़ा थोड़ा करके तेल को हमें स्टर कर देना है और गुलाब जामुन के साइड चेंज कराने के लिए हमें कढ़ाई को ही हल्का हल्का हिला देना है। गुलाब जामुन को फ्राई करने टाइम गैस को बिल्कुल लो में रखना है, 1 सेकंड के लिए भी इसका हाई नहीं करना है
और लो हीट में ऐसी ब्राउन हो जाए तो फिर इन सबको हम तेल से निकाल लेंगे और फिर दूसरा बैच हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल छोड़ देंगे, फिर इसमें 1 टीस्पून जीरा और चुटकी भर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जस्ट फॉर द कलर। फिर हीट को लो करके हमें 50 ग्राम या आधा कप दही डाल देना है और बहुत अच्छी तरह से इसको स्टर करते जाना है। और दही थोड़ा सा लिक्विड हो जाए और तेल ऊपर आने लगे, फिर हमें इसके अंदर जो अनियन का पेस्ट बना के रखे थे वो हम ऐड कर देंगे। फिर इन सबको बहुत अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, 3-4 मिनट तक लो हीट में इसको पकाएंगे जब तक ना तेल उज आउट होने लगे। फिर हम इसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है और वो ग्राइंडर को अच्छे से धो के वही पानी डाल दिया है। आप चाहे तो 1 कप भी डाल सकते हैं, इससे ग्रेवी थोड़ा सा कम थिक बनेगा। फिर हमें स्वादानुसार नमक डालना है और 1 टीस्पून चीनी डालना है इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें दही भी डाला है और टमेटो भी डाला है और दही टमेटो कभी कभार खट्टा होता है, तो एक बार टेस्ट कर लीजिए, अगर ग्रेवी खट्टा लग रहा है तो डालिए चीनी, अदरवाइज नहीं डालना है। फिर हमें 2 टीस्पून कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है। अब हम गुलाब जामुन को डाल देंगे और इसको बस 2 मिनट तक ग्रेवी के साथ एकदम लो हीट में पका लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग रेसिपी, बनाइए आप इसको, आई एम श्योर बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं लौटती हूँ एक और रेसिपी के साथ।